आके मेरी आंखों में तुम देखो, इनमें हर एक अदा तुम्हारी है। कहने को ये दिल है मेरा, लेकिन धड़कन में सदा तुम्हारी है। तुमसे है चैन मेरा, तुमसे है मेरा तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार। दीवाने से हो गई गलती, जाने दो यार। I love you, I love you। क्या मेरे पिताजी? देखो बेटे, तुम यहाँ बैठो, मैं डैडी से 5 मिनट बात करके तुम्हें अंदर बुलाती हूँ। अंदर? हाँ, डैडी से मिलने को, मैं अभी आई। डैडी, डैडी, डैडी। How are you, my darling? Fine. What a pleasant surprise. सिर्फ 2 दिन की फुर्सत मिली थी, सोचा नया मकान देख लूँ, तुझसे मिल लूँ, और अगर यहाँ तेरा दिल भर गया हो तो अपने साथ तुझे बम्बई वापस ले। नहीं भरा डैडी, बिल्कुल नहीं भरा। मालूम है क्यों? क्यों? पहले आप आराम से बैठिए। फरमाइए। आपको मेरी शादी की बहुत फिक्र है ना? है। I have selected somebody। कौन है वो? कौन है वो तो आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं किसी भी आए बाएं शाएं को पसंद कर लूं। मतलब ये कि? मतलब ये कि आपकी बेटी ने जो भी फैसला किया है वो आपकी पोजीशन को देखकर। आप कहा करते थे ना, तेरा दूल्हा जब तुझे मंगनी की अंगूठी पहनाएगा तो सिर्फ अंगूठी ही 10 लाख की होगी। कहा तो करता था। बल्कि 10 लाख क्या चीज है डैडी, वो तो इतना पैसे वाला, इतना पैसे वाला है कि मेरी मंगनी पर 50 लाख के गहने दे सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरी पोजीशन का ख्याल रखा, मगर बेटी आज तक तुम अपने बाप को समझ नहीं पाई। जी मैं दौलतमंद बाप जरूर हूँ बेटी, मगर वो बाप नहीं जो अपनी औलाद के सुख और चैन का सौदा सोने चांदी की तराजू से करता हो। मैं अभी आपसे मिलाती हूँ। विजय,
जो कुछ तुम कर रहे हो बिल्कुल ठीक नहीं। जवानी के जोश में ये मत भूलो तुम कौन हो और क्या हो। इससे पहले कि अमीरी गरीबी के मुंह पर थप्पड़ मारे लौट जा इस रास्ते से। बोल, वादा कर। मैं वादा करता हूँ बाबा, मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं सुनीता से कभी नहीं मिलूंगा, कभी। आंसू, मैंने तेरा दिल दुखाया? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तेरा जो जी चाहे कर, जो जी चाहे कर। मैं वही करूंगा बाबा जो तुमने कहा है। मैं कल बंबई जाऊंगा। बंबई जाकर क्या करेगा? कुछ भी करूंगा, कोई भी नौकरी, कोई भी काम। दारू लाओ। अच्छा, अरे जल्दी ला यार। अरे पांडव, ये साला दो नया गोचलो कौन है? अबे मुंह क्या देखता है, अपना नाम बता गोचो। अरे अबे गुंगा है क्या? ए माटी, काय को अपना धंधा खराब करता है, ये ले। अरे साला ये ठर्रा, अपने पास तो यही रहता है। अपने पास तो यही रहता है, वो दो गोचरों के ग्लास में पीला पीला क्या है? विस्की खत्म हो गया। विस्की खत्म हो गया? खत्म हो गया नहीं? अच्छा। एक पाव और एक पैकेट मक्खन। ऊपर कमरे का चाबी निकाल। चाबी? हाँ सर, जल्दी निकाल। चल तेरे से कुछ बात करना। Come on, baby. छोड़ मेरा हाथ। Oh, you come on. Leave me, you scoundrel. I say leave me. Martin, छोड़ दे लड़की को। चल आट, बैठ कर दारू पी कौन चो। हम लड़ने नहीं आए हैं शंकर, तुमसे कुछ बात करने आए हैं। माल अच्छा, बेचने का क्या? ये हार तुमने बड़ी खूबी से उड़ाया शंकर, मगर फीस मिली सिर्फ इसकी 10,000। हमसे सौदा करते तो इसकी 12 भी मिल सकते थे, शायद 15 भी। मैं सिर्फ यही कहने आया हूं, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी के साथ मिला दूंगा जिसके साथ काम करके तुम लाखों कमा सकते हो। कौन है वो? हम उनके अंडर में काम करते हैं, नाम आज तक नहीं पूछा। नहीं नहीं नहीं, आप उनको नहीं जाने का। चलो उस्मान, मैं चलूंगा। गुड, वेरी गुड। ये जाएगा,
पराभून नहीं। मैंने इस होटल में स्टीवर्ड की नौकरी के लिए एप्लीकेशन दी थी, आज मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है, यह है मेरा कार्ड। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू। आई एम सॉरी, इट्स ऑल राइट। देखो शंकर, मैं जानता हूं तुम अपने काम में बहुत होशियार हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। मेरा पता पोपटलाल ने दिया। काम की बातें करें, इसीलिए आया हूं। कल्चरल म्यूजियम का नाम तो तुमने सुना होगा, वहां पर एक नटराज की मूर्ति। या वो मूर्ति तुम्हें वहां से लाना है। ओके। मुश्किल ये है कि न सिर्फ बिल्डिंग के अंदर और बाहर कड़ा पहरा रहता है, बल्कि अंदर जाने के तमाम रास्तों पर खतरे की घंटी। जानता हूं। मूर्ति लाने की कीमत बोलो। 50,000। 50,000? हाँ, 25,000 पेशगी और 25,000 मूर्ति लाने के बाद। रास्ते के जलील कीड़े, याद रहे, यहां सौदा करने वालों के सर काट दिए जाते हैं। इन कांधों पर वही सर है जिसने कटना सीखा है, झुकना नहीं। शूट। नाउ शूट। होल्ड ऑन। I must say you are a remarkable person. Shake. Come on, shake hand, boy. और हाँ रुपेश बेटा, हमारे बिजनेस में फन और हुनर की कदर जौहरी की तरह की जाती है, लोहार की तरह नहीं। शंकर, हमें तुम्हारा ऑफर मंजूर है। ये लो 25,000 रुपये, काम एक महीने में हो जाना चाहिए। और ये रहा मूर्ति चुराने का फूल प्रूफ प्लान। जो अपनी जान पर खेलते हैं वो अपनी मंजिल पर खुद पहुंच जाते हैं। मैं अपने प्लान खुद बनाता हूं। गुड। Thank you very much. Excuse me. I will call the cab. Hurry up. Hey, we've met before, huh? Long time back. Nice to see you. Same here. Excuse me, please. Sir, Jet बोलता है वो किसी से मिलना नहीं चाहता। लिया। सुनो, तुम इतने सालों से जैक को बराबर मिलने के लिए आते हो और वो तुमसे नहीं मिलता, क्या काम है तुम्हारा? जेलर साहब, जिस आदमी ने मेरे माँ बाप का खून किया था, जैक भी उनके साथ था। मुझे जैक से उस खूनी का नाम और पता पूछना है। जब उसने पुलिस को नाम और पता नहीं बताया
तो तुम्हें क्या बताएगा? आप इतना ही बता दीजिए कि जैक जेल से कब छूट रहा है। ये उसका आखिरी साल है, 15 दिसंबर को वो आजाद हो जाएगा। 15 दिसंबर। थैंक यू वेरी मच जेलर साहब। आज दोबारा मिलने आई हो, क्या बात है? हाँ कुछ काम है। आज वो फिर आए थे बेटी? हाँ मैंने देखा। जेलर साहब ने मुझे अभी बताया कि वो कौन है। कौन? गुलजार आर्टिस्ट का बेटा शंकर। तुम फिक्र नहीं करो बाबा, जैसे ही तुम आजाद होगे हम ये शहर ही छोड़ के चले जाएंगे। जरूर, मगर उससे पहले मुझे शाकाल से अपना हिसाब चुकाना है। 15 साल मैंने जेल काटी है, मैं इसका बदला लेकर आऊंगा। जरा सोचिए तो बाबूजी, अब तक पुलिस सिर्फ इतना जानती है कि शाकाल नाम का कोई स्मगलर है जो लाखों का माल बाहर भेजता है। जैक के जेल से छूटने पर उसे यह भी पता चल जाएगा कि कई साल पहले गुलजार और उसकी बीवी का खून भी आप ही ने किया था। लेकिन यह मत भूलो कि जैक और पुलिस इन दोनों में से किसी को भी ये नहीं मालूम कि शाकाल कौन है और वो कहां रहता है। बंबई या बंबई के बाहर, आज पता ना सही कल हो भी सकता है। पुलिस कमिश्नर ने ऐलान किया है आपका पता देने वाले को 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। इससे पहले कि पुलिस हम तक पहुंचे हम हिंदुस्तान छोड़ चुके होंगे और रुपया पैसा एक एक पैसा बाहर की बैंकों में जमा हो चुका है। और ये होटल, इसे हम अपने साथियों को दे जाएंगे, उनकी वफादारी की कीमत। थैंक यू बॉस, बहुत बहुत शुक्रिया। बाहर निकलना इतना आसान नहीं, पुलिस की सख्त निगरानी है। निगरानी ठंडी पड़ जाएगी और हम आसानी से निकल जाएंगे। सफेद गाड़ी मूछ और वैसे ही बाल, ये अपने ग्रुप का पुराना आदमी है। लेकिन मुझे करना क्या है? जॉन, तुम लंदन में अपने बीवी बच्चों से मिलना चाहते हो ना? हाँ। उसी का इंतजाम हो रहा है। देखो जॉन, हम तुम्हारे लंदन जाने का पूरा खर्चा देंगे, लेकिन जाने से पहले तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। होटल मैरीलैंड में शाकाल के नाम से एक दिन के लिए रहना होगा और इसी नाम से तुम्हारी लंदन के लिए एक सीट बुक होगी। तुम आराम से लंदन पहुंच जाओगे और यहाँ पुलिस ये समझेगी शाकाल हिंदुस्तान से निकल गया। मगर मुझे जाना कब है? आज रात को। हाँ आज ही रात, शाकाल हिंदुस्तान से हमेशा के लिए बाहर जा रहा है। तुम्हें कैसे पता? एयर इंडिया में फोन करके पूछिए, 12 बजे के हवाई जहाज में शाकाल के नाम से एक सीट बुक होगी। कहाँ रहता है वो? होटल मैरन एंड फोन बुलाइए, शाकाल के कमरे का नंबर है 303। मिस्टर शाकाल, शाकाल, अगर मुझे उनकी लाश दिखाई जाए तो मैं ये बता सकता हूँ कि वो लाश शाकाल की या किसी और की। मगर उसके चेहरे पे इतनी गोलियां चलाई गई हैं कि तुम उसे पहचान न सकोगे। शाकाल को पहचानने में पुलिस धोखा खा सकती है जेलर साहब, लेकिन मैं नहीं। अच्छा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि शक्ल सूरत बिल्कुल बिगड़ चुकी है। जेलर साहब, मरते वक्त शकल ने जो कुछ पहना था वो सब कहाँ है? इस अलमारी में। जाइए देखिए। शाकाल के ही। आपका ख्याल सच साहब, शाकाल मर चुका है।
बड़े बंच ऑफ फूल्स। जेंटलमैन, आई एम सपोज टू बी डेड। ओह यस मोहन, तुमने बहुत होशियारी से काम किया, हम तुमसे बहुत खुश हैं। रुपेश, मोहन को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाए। Thank you very much, sir. Thank you. That's all right, my boy. Come on, Mohan. अपने बॉस से कह दो आज रात मैं नटराज की मूर्ति लेकर आ रहा हूँ, 25,000 का इंतजाम रखे। 25,000? यही बात। रूपेश बाबू, मुझे शाकाश सेठ ने बचपन से पाला है, मैं उनको अपने पिता समान समझता हूँ और आपको अपने भाई की तरह। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जीवन भर लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल, कहीं तो प्यारे किसी किनारे मिल जाओ तुम अंधेरे उजाले। तड़पन लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल। हम यही कहीं फिर भी ये दूरियां, यहाँ बाहरी दुनिया दुनिया तेरे जलवे है निराल। लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल, कहीं तो प्यारे किसी किनारे मिल जाओ तुम अंधेरे उजाले। तड़पन लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल। Hey, 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 hey!
कहीं रहे यूं लगे मुझे मेरे दिल के पास है या मांग तेरे पैर हाँ तेरे बगैर दिल मेरा उदास है या आजा 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 हमको सीने से लगा ले लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल कहीं तो प्यारे किसी किनारे मिल जाओ तुम अंधेरे उजाले तरंग लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल गार्ड्स ने गोलियां भी चलाई और फिर भी ऊपर निकला। सर मेरा अपना ख्याल है कि नटराज की मूर्ति चुराने वाला कोई मामूली चोर नहीं है। मेरा शक जाता है तो सिर्फ शाकाल और उसकी पार्टी। वो कौन है और कहाँ रहता है? सर इस ग्रुप के दो तीन आदमी हमारी नजर में हैं, जिन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ओके, देन आई गिव यू ओनली वन मंथ। एक महीने के अंदर शाकाल और उसके पूरे गैंग का पता लगाना आप लोगों का काम है, समझे? यू कैन गो। थैंक यू। हरामखोर कमीने, तुझे भेजा था वहां शंकर पर नजर रखने के लिए। क्या कर रहा था तू वहां? तो जैसे ही म्यूजियम से बाहर निकला, गार्ड लोग गोलियां चला रहे थे। मैं उसे कैसे बचाता? कैसे बचाता? आई एम श्योर शंकर या तो मारा गया या फिर उस मूर्ति के साथ पकड़ा गया। रॉबर्ट मुझे उस मूर्ति के 40,000 pounds दे रहा था। रॉबर्ट का जहाज कब आ रहा है? कल सुबह 5 बजे। मैंने बाकी सामान खुफिया अड्डे पर पहुंचा दिया। मुझे बाकी सामान नहीं चाहिए, मुझे वो मूर्ति चाहिए। यस शंकर, कहां हो तुम? ओके ओके, हम लोग वहां पहुंचे। गाड़ी का पीछा करो। Robert, my friend, how are you? Fine, thank you. Meet my son. Hello.
तुम्हारा सारा सामान आ गया है। Oh, wonderful. और ये है वो मूर्ति जिसकी तुम्हें साल भर से तलाश थी। Thank you very much. Don't worry, old boy. मैं सारा पेमेंट बाहर के बैंक में हो जाएगा ना? Yes, yes. I know. Oh, I must go now. Okay, by the way, वो ईरानी ज्वेलरी का क्या हुआ? हाँ, वो नीलाम में बेच दी गई। हम लोग जरा देर से पहुंचे। बंबई के एक बहुत बड़े सेठ देवी दयाल ने उसे 30 लाख रुपए में खरीदी। You must get it. Don't worry, Robert. कल ही मैं रुपेश को सेठ देवी दयाल के पास भेज रहा हूँ। In your next trip, you will get it. Oh, thank you. Oh, good luck. Goodbye. All the best, Robert. All the best. It's a beautiful piece of art, sir. Yes, it is. देवी दयाल जी, दरअसल बात यह है कि मैं ये जेवरात सिर्फ देखने नहीं आया था, खरीदने के ख्याल से आया था। मिस्टर रूपेश, आप इन जेवरात की कोई भी कीमत दें, मैं इन्हें बेचूंगा नहीं। आपकी मर्जी। अच्छा तो मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते सुनिधि जी, कैसी हैं आप? मैं आया था आर्ट का पुजारी बनकर, फिर खरीदार बन बैठा। बुरा ना मानिएगा सेठ साहब, मगर ऐसे अनजान लोगों को ऐसी कीमती चीजें नहीं दिखाना चाहिए। आप ठीक कहते हैं। हाँ वर्मा जी, हमारे दिल्ली के टिकट का हो गया? जी हाँ, शाम को 7 बजे की फ्लाइट है। गुड। देखो बेटी सुनीता, सुनीता क्या हो गया है तुम्हें, जब देखो खोई खोई सी रहती हो। नहीं तो मैं तो आपको एयरपोर्ट पहुंचाने का सोच रही थी। मैनेजर साहब, आज हम जारी को एयरपोर्ट पहुंचाने जाएंगे। जी जी। बेटी। जी मैनेजर साहब। तुम्हारे साथ जो धोखा हुआ है वो सेठ साहब ने मुझे बता दिया, मगर इसके लिए कुछ संसार नहीं छोड़ देता। ऐसे कब तक चलेगा बेटी? आप ठीक कहते हैं मैनेजर साहब, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगी। मगर कब से? आज ही से। यहाँ कुछ काम है बेटी? हाँ, आज हम खाना यही खाएंगे। घर फोन करके नौकरों को बता दीजिए और फिर अंदर आ जाइए। जी। स्टुअर्ट। यस सर। वो 12 नंबर की टेबल पे जो मेम साहब बैठे हैं ना, जो भी ऑर्डर करें पैसे मत लेना, पूछे तो कहना मेरा हुक्म। ओके ओके सर। एक्सक्यूज मी, ये ऑर्डर प्लीज। कुंवर विजय कुमार, होटल के स्टूअर्ट कब से बन गए? Your order, please. लगता है सारी जायदाद जुए में हार बैठे, या फिर किसी गाने वाली के कोठे पर। Your order, please. जवाब दो विजय, ये नया ढोंग किस नादान को धोखा देने के लिए है? किसके जीवन से खेल रहे हो आप ऑर्डर देती हैं या मैं जाऊं? You liar, you cheat, you rogue, you scoundrel. Leave me, leave my hand. Leave.
behave like this. This is none of your business. Shut up. जाओ, कुत्तों के मुंह नहीं लगते। कुत्ता किसको बोला? सुबह जब तुम्हारा बॉस नाश्ते के लिए बैठे, चाकू से उसके टोस्ट पर मक्खन लगाना। आप जरा ठहरिए, मैं उन्हें बुलाता हूं। क्या बताऊं बेटा, मेरे दिल पे आज क्या बीती है। तू ठीक है ना? चोट ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं बाबा, ऐसे ही मामूली सी। मैंने सोच लिया बेटा, जैसे सेठ साहब दिल्ली से आते हैं, मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। नहीं बाबा, इसकी कोई जरूरत नहीं। आज जो कुछ भी हुआ है वो मेरे किए की सजा है। मैं अपनी हैसियत भूल गया था। कुंवर साहब बनकर एक मजाक किया, देखते ही देखते वो मजाक प्यार में बदल गया। जब सुनीता अपने पिता से मेरी उस दौलत का जिक्र करने लगी जो मेरे पास नहीं है, तब मुझे मालूम हुआ इन पैसे वालों के लिए हर रिश्ता हर नाता एक व्यापार है। बाबा, मैं आपको यही कहने आया हूँ, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली? जी हाँ, वहाँ मेरे एक दोस्त शर्मा ने मुझे एक अच्छी नौकरी दिलाने का वादा किया। मैं भी यही चाहता था बेटा, कि तेरा और सुनीता का कभी सामना ना हो। ऐसे ही होगा बाबा। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। मैं तुमसे एक बार फिर पूछना चाहता हूँ कि मेरे डैडी राजी होंगे कि नहीं। कितनी बार कहूँ कि बात पक्की समझो। लेकिन मेरे बाबा को कौन मनाएगा? मैं? तुम? सोनी, योर डार्लिंग। जैक से सिर्फ एक बार मिलने के लिए मैंने 10 साल इस जेल के चक्कर काटे हैं। जेलर साहब, आपने कहा था वो 15 दिसंबर को आजाद हो जाएगा। मैं सारी रात जागता रहा, जेल के बाहर पहरा देता रहा, दरवाजा खुलते ही अंदर चला आया। अब आप कहते हैं कि जैक चला गया। देखो शंकर, जैक को खतरा था कि जैसे ही वो बाहर निकलेगा उसके दुश्मन उसको मार डालेंगे।
उसने मुझसे विनती की थी कि उसकी आजादी की तारीख 2 दिन बाद की बताऊं, और वही मैंने किया। जेलर साहब, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। आप बता सकते हैं मेरे अलावा उससे और कौन मिलने आता था? आए तो कई लोग, मगर वो किसी से नहीं मिलता था। हाँ, एक लड़की। लड़की? एक लड़की हमेशा काले लिबास में आती थी, जिससे जैक बराबर मिलता था। काले लिबास में। ये क्या लाइयो? तुम्हारा खाना। जैक कहाँ है? कौन जैक? रुक जाओ शंकर। शंकर? हाँ, मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है। मैं जानती हूँ, जब तुम्हारे माता पिता का खून हुआ तो मेरे बाबा वहां मौजूद थे, मगर खून उन्होंने नहीं, शाकाल ने किया था। शाकाल? हाँ, शाकाल और उसका साथी रंजीत। लेकिन ये कह देने से तेरे बाप के जुर्म में कमी नहीं होती, वो भी उनके साथ था और उसे अपने किए की सजा पाना है। और क्या सजा तुम दोगे शंकर? 15 साल इस इंसान ने जेल की 4 दीवारी में एड़ियां रगड़ी हैं। खता थी तो इतनी कि वो शाकाल के साथ था, ये जाने बिना कि शाकाल किसी का खून करने जा रहा है। अगर इसकी सजा मौत है तो जाओ गला घोंट दो मेरे अभागे बाप का। मुझे तुमसे कोई बदला नहीं लेना, मुझे तुम्हारा एहसान याद है। मुझे तलाश है शाकाल और रंजीत की। शंकर, 2 दिन से मैं यही कर रहा हूँ, आज 15 साल के बाद वो कहाँ है, किस भेस में है, इसका आसानी से पता नहीं लगने वाला है। मगर उसके बारे में जितना मैं जानता हूँ, पुलिस भी नहीं जानती। जानते हो शंकर, उसमें एक खास बात है, वो हमेशा नए जूते पहनता है। उसके दाएं पांव में 9 नंबर का और बाएं में 8 नंबर का जूता होता है। लेकिन इससे कैसे पता चलेगा वो कहाँ है? शंकर, मुझे थोड़ा टाइम दो, उसका पता लगते ही मैं फौरन तुम्हें खत लिखूंगा। जैक, ये मेरा एड्रेस है, इसके अलावा मैं पार्क होटल में होता हूँ। पार्क होटल? हाँ, वहां मैं रोज जाता हूँ। ठीक है, याद रखो शंकर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए, आपसे एक बात पूछनी है। पूछिए। आपके यहाँ कोई ऐसा कस्टमर आता है जो 2 अलग-अलग साइज के जूते खरीदता हो, 1 8 नंबर 1 9 नंबर? जी नहीं। शुक्रिया। हेलो, मुझे शाकाल से बात करना है। इस नाम का यहाँ कोई आदमी नहीं है। बोलो उस कमीने से, मेरा नाम जैक है। होल्ड ऑन, जैक, ये शय और मार्ट। हेलो जैक, कहाँ हो प्यारे? अब इन बातों में कोई दम नहीं शाकाल, तुम जानते हो गुलजार उसकी पत्नी के खून के समय पुलिस को तुम्हारे हाथ और उंगलियों के निशान मिले थे। आज मेरी जबान खोलने की देर है शाकाल, तुम्हारे गले में फांसी का फंदा होगा। मैं तुम्हारे एहसान का पूरा पूरा बदला चुकाने को तैयार हूँ। बोलो क्या चाहिए? 1 लाख 2 लाख 15 लाख 15 लाख? ओके ओके,
अच्छा ये बताओ कि पैसा लेने कब आओगे? मैं पैसा लेने नहीं आऊंगा, तुम्हें भेजना पड़ेगा। ऑल राइट जैक, बोलो कहाँ भिजवा दूं? ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा, कल सुबह ठीक 6 बजे मेरे फोन का इंतजार करो। ओके जैक, मैं इंतजार करूंगा, बाय। 15 लाख? या बॉस, अगर ये मालूम हो जाए कि वो कहाँ है तो आज ही रात। आज रात नहीं, कल सुबह 6 बजे जब वो मुझे फिर से टेलीफोन करेगा। मैं समझा नहीं। रुपेश, अपने तमाम आदमियों की ड्यूटी लगा दो कि वो ये मालूम करें कि बंबई शहर में रेलवे लाइन के करीब कितने टेलीफोन बूथ हैं। किसी जैक जिस टेलीफोन बूथ से बात कर रहा था वो रेलवे लाइन के करीब था। शंकर, जो वादा तुमसे किया था वो पूरा कर रहा हूँ। तुम्हारे पिता का कातिल शाकाल, जिसकी खोज तुम 15 साल से कर रहे हो, पार्क होटल में रहता है। शाकाल से अपने माता पिता के खून का बदला लेने से पहले एक बार मुझसे जरूर मिल लेना। तुम्हारा दोस्त जैक। हेलो शकाल। जैक। गुड मॉर्निंग जैक। मेरा पैसा तैयार है? जैक, अपने खुदा से आखिरी प्रार्थना कर लो, मौत का फरिश्ता तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। से अपने माता पिता के खून का बदला लेने से पहले एक बार मुझसे जरूर मिल लेना। तुम्हारा दोस्त। शंकर का पता लगाओ, जहां भी हो उसे मेरे पास ले आओ। बॉस ने तुम्हें होटल पे बुलाया है, उससे कह दो मैंने चोरी का धंधा छोड़ दिया है। बात कुछ और है शंकर, तुम्हारे नाम का एक खत होटल के पते पर आया है। मेरे नाम का खत? ये ठहरो, मेरे नाम का एक खत होटल में आया, मुझे लगता है वो जरूर जैक का खत है। तुम्हारी एक बस ठहरो, मैं भी आया। मैं अपना खत लेने आया हूँ। बहुत जल्दी क्यों ना हो, 15 साल तुमने जिस कातिल की खोज की, यह खत तुम्हें अभी अभी बता सकता है कि वो कौन है और कहाँ है। तुम्हारे लिए यह खत बहुत जरूरी है, और हर जरूरी चीज की एक कीमत होती है मेरे दोस्त। ब्लैकमेल? नो नो, सौदा। इस सौदे की कीमत? एक छोटा सा काम। सेठ देवीदयाल का नाम तो तुमने सुना होगा, ये तस्वीर उनकी बेटी सुनीता की है। सुनीता अपने एक चाहने वाले से मिलने इस होटल में आती है, आज भी उनका टेबल बुक है। तुम्हें उस लड़की को मुझ तक पहुंचाना है। किस लिए? मुझे लड़की के बाप सेठ देवीदयाल से एक ईरानी जेवरात का सेट वसूल करना है। उस लड़की को मार डालने की धमकी देकर? सिर्फ धमकी। यहाँ से लड़की के बाप को एक फोन जाएगा और वो जेवरात लिए भागा हुआ आएगा। मैं इस जलील काम के लिए तैयार नहीं हूँ। दरवाजा खुला है, तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता के कातिल का राज फिर तुम्हें कभी नहीं मिल सकता।
उसे किस लिए जाने दिया? इसलिए कि वो सुनीता को लेकर आएगा। और उसके बाद? और उसके बाद कैप्टन? यस सर। अपने तमाम आदमियों से कह दो कि शंकर पर कड़ी निगरानी रखें। आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। लेकिन तुम्हारे माता पिता के कातिल का राज फिर तुम्हें कभी नहीं मिल सकेगा। आइए तशरीफ रखिए। वो कहाँ है? कौन? इन्होंने मुझसे कहा था ये होटल के मुलाजिम है और मैं जिनसे मिलने आई हूँ उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया। वो अभी आ जाएंगे। मुझे यहाँ नहीं बैठना। I see। तो मुझे यहाँ धोखे से बुलाया गया है? शायद। क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? मोहतरमा, अगर आप ये चाहती हैं कि आपके साथ कोई जबरदस्ती ना की जाए तो आप यहाँ बैठ जाइए। ओके। What next? हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ मैनेजर साहब, मुझे सेठ देवी दयाल से बात करना है। जी अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं फिर बाद में फोन करता हूँ। वो दिल्ली गए हुए हैं और आज रात के 10 बजे के प्लेन से वापस आ रहे हैं। मोहतरमा, जब तक आपके पिताजी घर नहीं पहुंच जाते आप हमारी मेहमान हैं। सुरेंद्र, इधर ले आओ इसे। आपका काम हो गया है, मेरा खत मुझे दे दीजिए। अभी काम पूरा कहां हुआ है मेरे दोस्त? अभी तो तुम्हें देवी दयाल के पास से जेवरात लाने होंगे और फिर उसकी बेटी को वापस पहुंचाना होगा। उसके बाद तुम्हारी बरसों की आरजू पूरी हो जाएगी। आपका नाम तो मैं नहीं जानता लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि चोरों में भी एक ईमानदारी होती है, जबान की पाबंदी। आपने खत के बदले जेवरात लाने की मेरे साथ कोई बात नहीं की। मेरा काम था सुनीता को आके। दारा पड़ता है। शंकर तुम एक काम करो, अभी देवी दयाल के आने में देर है, तुम नीचे जाकर डाइनिंग हॉल में बैठ जाओ, जैसे ही तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हें बुला लिया जाएगा। आपके ख्याल में उसे दौरा पड़ा था? एक्टिंग कर रहा था ताकि उसे जेवरात लाने न जाना पड़े। न उसे दौरा पड़ा था न वो एक्टिंग कर रहा था। मुझे शक है कि बात कुछ और है। कैप्टन? यस सर। गार्ड्स को हुक्म दिया जाता है कि शंकर इस होटल से बाहर न जाए। मार्टिन, tonight. Oh, I'm sorry.
तो अभी तक नहीं आई। आप हाल में तशरीफ रखिए, जैसे ही वहां आई मैं उन्हें बता दूंगा कि आप अंदर आ चुके हैं। थैंक यू। हेलो, इज समथिंग रॉन्ग? कुछ नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पहले कि मैं आज का प्रोग्राम पेश करूं, मैं आपको एक 15 साल पुराना गाना सुनाता हूं, इस प्रार्थना के साथ कि मेरी आवाज उन कानों तक पहुंच जाए जो कभी यह गाना मेरे साथ गाते थे, मेरे अपने भाई। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे दिल के द्वारे ओ छेड़ो तराने मिलन के प्यारे प्यारे संग हमारे बदले ना अपना ये आलम कभी जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी हो बदले ना अपना ये आलम कभी जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी यूं भी जाओगे आखिर कहाँ होगे हमारे यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे दिल के द्वारे आगे भी होगा जो उसका करम ये दिन तो मनाएंगे हर साल हम अपने आंगन नाचे गाएंगे चंदा सितारे यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे दिल के द्वारे
भेजिए रतन। आज रात ठीक 12 बजे LIC बिल्डिंग के पास मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा बड़ा भाई शंकर। सुनो, इस होटल में जो लड़का गाना गाता है ना, मंटो। मंटो जी, उनका असली नाम रतन है। हाँ हाँ रतन, देखो ये खास रिश्ते है ना। बहुत अच्छा सर। हमें बेचैनी से इंतजार था, आज वो दिन आ ही गया। हम हमेशा के लिए आज हिंदुस्तान छोड़ देंगे। देवी दयाल को फोन करूं? अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। How is she? Fine. Keep a strict watch on her. Okay, sir. जानता हूं कि तुम्हें पता चल चुका है कि मैं कौन हूं, इसीलिए तुम सुनीता को निकाल कर ले गए। मगर मेरे दोस्त शाखाल जब बाजी खेलता है तो जितने पत्ते उसके हाथ में होते हैं उतने ही उसकी आस्तीन में। तुम्हारी चिट्ठी तुम्हारे भाइयों के नाम, सुनीता के बदले अब तुम्हारे भाइयों की जिंदगी मेरे हाथ है, और तुम्हारे भाइयों की जान की कीमत वही ईरानी जेवरात का सेट जो तुम्हें सुनीता के बाप के पास से लाना है। तुम अच्छी तरह जानते हो वो जेवरात मैं नहीं ला सकता। सुनीता अगर मान भी जाए मगर उसका बाप, बाप को काबू में लाना तुम्हारा काम है शंकर। मैं कल सुबह हमेशा के लिए हिंदुस्तान से जा रहा हूं। उसी खुफिया हवाई अड्डे से? ओह, तो तुम्हें यह भी पता है? गुड,
तुम्हें जेवरात लेकर मेरे हवाई अड्डे पर पहुंचना है। पुलिस की मदद बेकार होगी, क्योंकि बात अगर खून खराबे तक पहुंची तो मेरी लाश तो तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारे नौजवान भाइयों की लाशें भी खाकर खून में तड़पती होंगी। हेलो शाका। हेलो रॉबर्ट माय फ्रेंड, हाउ आर यू? फाइन फाइन। चलने को तैयार? एकदम तैयार। वेल रॉबर्ट, तुमको ईरानी ज्वेलरी मांगता था ना? हियर इट कम्स। पूछो शंकर कहाँ है? शंकर कहाँ है? शंकर ने मेरे डैडी को गिरफ्तार कर रखा है। अगर उसकी भाभी जिंदा न पहुंची तो मेरे डैडी को मार डालेगा। विजय और रतन को छोड़ दो, साथ ही तुम्हारा एक आदमी आके जेवरात ले जा सकता है। डरने की कौन जरूरत है, मैं अकेली आई हूँ। Hey, hurry up, Shakal. There is no time. Okay, Robert. Okay. Cool it, baby. Cool it. Take it easy. Don't be afraid. इससे पहले कि तुम्हारी बात मानी जाए सुनीता, मैं देखना चाहता हूँ उस बस में कुछ है भी या वो एकदम खाली है। ओके। हैंड्स अप प्लीज। Shakal, there is no way out and there is no time. Idhar le aao in dono ko. Khol do inhe, jaane do. एक बार मेरा लड़का निकल आए फिर मैं तुम सबकी लाशें बिछा दूंगा। एक बार मेरे भाई बाहर आ जाएं उस्मान, फिर शाकाल रहेगा या मैं, जिंदगी और मौत का फैसला आज तकदीर करेगी। Thank you.
gate. Do something. Stop these bastards. Start the engine. Come on. Come on. रोक लिया शंकर, उठा चाकू और खोप दे मेरे सीने में। नहीं शाकाल, मैं तेरे नापाक खून से हाथ नहीं रंगूंगा। तेरी मौत तो आ रही है। वो देख कुत्ते, वो देख। तुझ तक पहुंचने के लिए जो गुनाह मैंने किए हैं उसकी सजा तो कानून मुझे देगा ही, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि तुझ से बदला लेने के लिए भगवान भी मेरे साथ। कम ऑन, kill me, शंकर, you bastard, kill me। नहीं शाकाल, मैं तेरी मुश्किल इतनी जल्दी आसान नहीं करूंगा। याद कर वो रात जब तेरे हाथ में रिवॉल्वर था और सामने मेरा मजबूर बाप, बाप की मौत का जो मंजर कभी इन आंखों ने देखा था, आज वही मंजर तेरा बेटा देखेगा शाकाल। शहनाई